नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों आज भाग नंबर 7 है। ठीक है, भाग नंबर कौन सा है? 7, जिसके अंदर 180 से 210 नंबर तक दोस्तों इसके अंदर प्रश्न है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मंडल के द्वारा प्रतिनिधियों में प्रतिमा प्रोत्साहन की शुरुआत कब की गई? मंडल के द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिमा प्रोत्साहन की शुरुआत कब की गई? चार ऑप्शन दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, 1975, 1982, 1992, 1998। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1998। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 182 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो दोस्तों, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। ठीक है, ये दोस्तों वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक मंडल हैं इसके अध्यक्ष हैं। दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। ठीक है, नेक्स्ट है, 83 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, डाइट का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों, डाइट का जो पूरा नाम है वो क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ठीक है, डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह है डाइट का पूरा नाम। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो चलो मैं बता देता हूँ आपको इसके उद्देश्य। जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखो इसमें, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राज्य में ई संचार का संबंध है, राज्य में ई संचार का संबंध है। तो दोस्तों, ई संचार का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में ई संचार का संबंध, तो दोस्तों राज्य में जो ई संचार का जो संबंध है वो किससे है? देखो, शिक्षकों से, खिलाड़ियों से, ठीक है, कर्मचारियों से या पेंशन से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है पेंशन से। ठीक है, ई संचार का संबंध किससे है? पेंशन से। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान की प्रत्येक डाइट में कितने प्रभाग हैं? राजस्थान की प्रत्येक डाइट में कितने प्रभाग हैं? ऑप्शन है 6, 8, 10, 15। तो कितने प्रभाग हैं? तो 8 प्रभाग है दोस्तों। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न है, जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो दोस्तों, स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये सन 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 188 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के कुल विभाग हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के कुल विभाग कितने हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइट के दोस्तों कुल 8 है प्रभाग हैं। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 189 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है, डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों, नोडल एजेंसी कौन सी है? देखो, NCTE, NCERT, CRET या IASE। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? CRET। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
190 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। दोबारा देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, न्यूपा। ठीक है, न्यूपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 191 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा स्काउटिंग की स्थापना किस वर्ष की गई। लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा स्काउटिंग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों, किस वर्ष की गई थी, चार ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 1857, 1907, 1906, 1910। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 में की गई थी इसकी स्थापना, लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा स्काउटिंग की स्थापना 1907 में की गई थी। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 192 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, दुनिया में विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दुनिया में विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 मई। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों विश्व स्काउट दिवस है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए स्काउटिंग नामक संस्था का सूत्रपात कब हुआ था। सर्वप्रथम यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए स्काउटिंग नामक संस्था का सूत्रपात कब हुआ था। तो दोस्तों, इस संस्था का जो सूत्रपात है ये कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था दोस्तों इसका सूत्रपात। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारतीय छात्र स्काउट संस्था की स्थापना 1915 में की गई। भारतीय छात्र स्काउट संस्था की स्थापना 1915 में की गई, तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी 1915 में। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीय छात्र स्काउट संस्था की स्थापना 1915 में की गई थी। 195 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में स्काउट गाइड संघ की स्थापना की गई। भारत में स्काउट गाइड संघ की स्थापना की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने, 1920, 1930, 1940, 1945। तो दोस्तों, भारत में स्काउट गाइड संघ की स्थापना है वो 1940 में की गई थी। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न है, स्काउट एवं गाइड विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्काउट एवं गाइड विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों वो पुरस्कार कौन सा है, हीरक पंख है, राष्ट्रपति पुरस्कार, तृतीय सोपान, राज्यपाल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्काउट एवं गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार है वो राष्ट्रपति पुरस्कार है। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, तैयार रहो किसका प्रेरणा स्पंद आदर्श वाक्य है। तैयार रहो किसका प्रेरणा इस पर आदर्श वाक्य है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, तैयार रहो किसका आदर्श वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है स्काउट एवं गाइड का। ठीक है, स्काउट या गाइड का। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न है, भारत में स्काउट गाइड संस्था के संरक्षक हैं। भारत में स्काउट गाइड संस्था के संरक्षक हैं तो कौन है। चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसके संरक्षक हैं वो कौन है, राष्ट्रपति। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, सावधान, कोई आदेश मिलने वाला है, इसके लिए स्काउटों के द्वारा बजाई जाती है।
सावधान, कोई आदेश मिलने वाला है, इसके लिए स्काउटों द्वारा बजाई जाती है। तो क्या बजाई जाती है दोस्तों? तो देखो, एक सीटी, एक जोर से आवाज़, एक लंबी सीटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है एक लंबी सीटी। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 200 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, विश्व में स्काउटों का चिन्ह है, विश्व में स्काउटों का जो चिन्ह है वो क्या है? तो वो है दोस्तों कमल। कौन सा है? कमल। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ई मित्र कियोस्क की संख्या लगभग है, राजस्थान में ई मित्र कियोस्क की संख्या लगभग है। तो दोस्तों इसकी जो संख्या है वो लगभग कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है 400, 500, 552, 550। ई मित्र कियोस्क की संख्या वो है दोस्तों इसमें कितनी? 552। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर प्रश्न है, ई मित्र कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों ई मित्र कार्यक्रम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ई मित्र कार्यक्रम। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ई मित्र द्वारा संचरित सुलभ सेवाएं हैं, निम्न में से ई मित्र द्वारा संचरित सुलभ सेवाएं हैं। तो दोस्तों सुलभ सेवाएं हैं वो कौन सी है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, बिजली बिलों का भुगतान, राशन कार्ड जारी करना, जारी एवं आय प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। ई मित्र द्वारा संचरित सुलभ सेवाएं हैं ये दोस्तों उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भी भरे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी भरे जाते हैं, सेकंड ग्रेड के भी भरे जाते हैं और एक कांस्टेबल के भी भरे जाते हैं। बिजली के बिल भी भरे जाते हैं, राशन कार्ड भी बनाए जाते हैं, जाति एवं आय प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं, मूल निवास भी बनवाया जाता है। तो दोस्तों सारे के सारे काम हैं ई मित्र पे, और हाँ साथ में रिचार्ज भी होता है ई मित्र पे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 204 नंबर प्रश्न है, ई मित्र कियोस्क सेवा का शुभारंभ हुआ, ई मित्र कियोस्क सेवा का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों इसका शुभारंभ है ये कब हुआ? सन 2002, सन 2003, सन 2004, सन 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 2002 से ई मित्र कियोस्क सेवा का शुभारंभ हुआ था सन 2002 से। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का श्री गणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किया? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का श्री गणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कब? 15 अगस्त 2002 को किया था दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सन 2004 में ई गवर्नेंस का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए किसके नेतृत्व में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की? भारत सरकार द्वारा सन 2004 में ई गवर्नेंस का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए किसके नेतृत्व में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 207 नंबर प्रश्न है, ई ग्राम परियोजना का संबंध है, तो ई ग्राम परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों शिक्षा से, इंटरनेट प्रणाली से, नगरों से या ग्रामों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ग्राम परियोजना का संबंध है वो ग्रामों से है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 208 नंबर प्रश्न है, राज्य में स्थापित टेलीमेडिसिन तंत्र का संबंध है, राज्य में स्थापित टेलीमेडिसिन
तंत्र का संबंध है। तो दोस्तों इस तंत्र का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वास्थ्य से। दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 209 नंबर प्रश्न है, राज्य में ई संचार का संबंध है, राज्य में ई संचार का जो संबंध है वो किससे है, तो ये है दोस्तों किससे, पेंशनर से, ठीक है। प्रश्न रिपीट हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए, आज एक प्रश्न कम है, ठीक है। तो 209 प्रश्न है, अगला वीडियो आएगा जिसमें 210 से लेके और 240 प्रश्न तक उसमें इंक्लूड होंगे। दोस्तों ये आज भाग 7 है, ठीक है। तो दोस्तों कल अपना आएगा भाग 8, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।